नमस्कार, मेरा नाम कोमल है। मैं केंद्रीय विद्यालय गजबूंगा की छात्रा नौवीं भूमि में पढ़ती हूँ। हमें इस विद्यालय द्वारा एक कार्य दिया गया था जिसमें अनसंग हीरों के बारे में कुछ जानना था, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। और उसमें मैंने अपने ही मोहल्ले के एक अनसंग हीरो के बारे में जानना चाहा है, तो मैं आज आपको उनसे उनकी फैमिली मेंबर से मिलवाऊंगी और आपकी इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, और जो भी क्वेश्चन है क्वेरीज है मैं उनसे पूछूंगी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक अनसंग हीरो के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो आप मेरे क्वेश्चनों का जवाब दे पाऊंगे? सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि आप उस अनसंग हीरो के क्या लगते हो? मैं उनका बेटा है, राम सिंह। मैं बहू। मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ और मेरा नाम शैलजा है। मैं पूछना चाहूंगी कि उनका नाम क्या है अनसंग हीरो का? श्री रसीला राम। और आपका एड्रेस क्या है? हमारा बीपीओ जो मोहल्ला है वो शिवनगर, बीपीओ है जनोड़ी, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? आजादी तो कोई नहीं। कब कौन सी जगह पे लड़ाई लड़ी थी उन्होंने? ब्रह्मा। आप अपने ग्रैंडफादर के बारे में कुछ कहना चाहोगी? जैसे कि आपको पता ही है, हम एक आजाद इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। उनकी बदौलत, उनकी कुर्बानियों के कारण हम अपनी आजादी की जिंदगी को जी पा रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा रोल है हमको ऐसी जिंदगी देने में, क्योंकि हमने जितना पढ़ा है, हिस्ट्री में जाना है, हमने देखा है कि जो अंग्रेजों ने कैसे जुल्म किए थे हमारे जो भारतीय लोग थे, वो कैसी दुविधा, जब कितनी टेंशन भरी दुनिया में रहते थे, अपनी जिंदगी का जो भी करना चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। पर उन ऐसे हीरों की जगह के कारण हम ऐसा जो एक खुला माहौल में जी पा रहे हैं, अपनी जिंदगी का आनंद उठा पा रहे हैं, तो उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक कीमती समय निकाला और अपने आप को इतनी प्रॉब्लम्स में रखते हुए हमारे देश को आजाद करवाया। अब आप थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल के मुझे उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। उनका जन्म होया थेगा 5 अप्रैल चौथा महीना 1920। फिर वो आजाद हिंद फौज च होया 1940। हां जी। फिर वो कैद विच होया, जेल विच उन्होंने लिता, जेल दे विच हुंदे लिता गया, जर्मनी दे विच उन्होंने कैद करके रखा गया। जो साडे घरां दे जिदों तुसीं सुणदे हो कि गटर जिहड़े हुंदे आ उन्हां दे विच उन्होंने खड़ा करके बिना खाने तों उन्होंने रखा गया, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादतियां कीतियां गईयां अंग्रेजी हुकूमत द्वारा। आपको कैसा फील होता है कि आप एक अनसंग हीरो के बेटे हो? हमें तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे बुजुर्गों ने इतना कुर्बानी दिया देश के लिए, और हमें बहुत मान है। उनकी आजाद मतलब वो जब लड़ाई लड़के आए थे, उन्हें कोई पुरस्कार वगैरह सम्मानित किया हो? हाँ, हमें उन्हें सरकार ने तामल पत्र दिया था। साढ़े पिता उन्होंने पूछा खतरनाक बंदे आए थे जेडे अंग्रेजा नाल सीगे उन्होंने बैरी बोर्ड ले दिता। मैं अपनी फैमिली तो जा मैं अपने आस पास तो जिन्ना जाने है, क्योंकि उन्होंने मैं देखा, क्योंकि वो मेरे मम्मी और डैडी की शादी तो पहले ही एक्सपायर हो गए सीगे, ते देखा तो नहीं है, बस उन्होंने बारे सुनिया ही है। ते जिन्ना सुनिया ओ यही जाने है कि उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, अपनी पूरी फैमिली नूं पालिया, क्योंकि उस टाइम वो टाइम इदां दे सीगे कि जदों लोकां दे कोल भरपेट खाना खाण जोगा भी अनाज नहीं सीगा, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी नूं एक बड़े अलग लैवल दे नाल सोच के अपने देश बारे कुछ करना चाहिया। ते जदों आए है ते सरकार ने उन्हां नूं बिना कुछ दित्ते घर भेज दित्ता सीगा, ते आला दुआला जिन्ना जाणदा है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ
कि उतो बाद कुछ टाइम बाद सरकार ने ना सारे शूरवीरां नूं सन्मानित किया ते फिर उन्हां दी याद दे विच उन्होंने एक तामन पत्र जिहड़ा है सानूं प्रोवाइड किया सीगा जिहड़ा कि इह तुहानूं फोटो दे विच दिखाई दे रहा है ते इहदे विच उन्होंने राजीव गांधी द्वारा ते उन्हां दी जिहड़ी इंदिरा गांधी जी है माता जी कांग्रेस पार्टी दे लीडर उन्हां द्वारा दिता गया सीगा जिहदे विच उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानियों दे लई उन्हां नूं सन्मानित करदे होए उन्हां दा पूरा नाम और एड्रेस दिता होया है।